हे गाइस, हेलो एवरीबॉडी। हेलो बोल लो जोर से एक बार। नया जर्नी शुरू होने जा रहा है जो कि आपके बिल्कुल सामने स्क्रीन पर है। दैट इज 11th क्लास बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो मैम, अर्लियर का जर्नी क्या था? सो पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देती हूँ, मेरे पिछले जर्नी के बारे में कुछ बता देती हूँ, एंड उसके बाद में वी विल बी स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज 11th क्लास बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, सो गाइज, मेरा जो अर्लियर नाम था, मतलब शादी के पहले, दैट वॉज CA निकिता सोमानी, और अभी वो चेंज होके हो गया है CA निकिता इनानी। सो येस, आई विल बी माई सेल्फ इंट्रोड्यूसिंग फ्रॉम नाउ एज दिस नेम। ओके, जो स्क्रीन पे दिख रहा है ऊपर आप अगर देख सकते होंगे तो क्लासेस का नाम भी कुछ इसी तरीके से रखा है, CA निकिता इनानी कॉमर्स क्लासेस। ऑल राइट मैम, 11th क्लास के जर्नी का क्या रीज़न है यहाँ से स्टार्ट करने का? तो इसके पहले जो मैंने पढ़ाया है वो है CA में इंटर कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड OMSM। OMSM का फुल फॉर्म है ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये सारा आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, बाय नेम CA निकिता सोमानी। थोड़े टाइम में उसको अपडेट कर देंगे, बट देन अभी के लिए उसका नाम CA निकिता सोमानी है। यू कैन गो ऑन एप्लीकेशन, आई मीन प्ले स्टोर पे जाके आप उसको चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सारे कोर्सेस वहाँ पे अपडेटेड है, देख सकते हैं। अभी हमारे इस पर्टिकुलर जो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का अकाउंटेंसी, उसके कुछ फीचर्स हैं वो मैं क्विकली बता देती हूँ, सो दैट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि किस बेसिस पे हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। सो वी विल बी नॉट लर्निंग अकाउंटेंसी ओनली वर्ड्स वाइज, और थोड़ा सा अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करके उसको सिखा दिया, उसको हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। थोड़े टाइम में आपको वो भी पता चल जाएगा कि पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कैसा, अकाउंटेंसी में कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़े कमिंग लेक्चर्स में यू विल बी सीइंग दैट। दूसरी सेकेंड चीज़ जो हमने इंट्रोड्यूस की है हमारे क्लासेस में वो है ऑनलाइन क्लासेस। आफ्टर यू मिस सम लाइव सेशंस तो डोंट वरी, आपके लिए वो सेशंस ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे हमारे एप्लीकेशन पे प्लस YouTube चैनल पे। YouTube चैनल का नाम थोड़े टाइम में आपको इधर ही अपडेट में मिल जाएगा। डाउट्स विल बी क्लियर्ड इन लाइव सेशंस। जो हमारा एप्लीकेशन है प्लस YouTube चैनल है, दोनों ही जगह लाइव सेशन कंडक्ट होंगे, और जो बच्चे मेरे पास यहाँ पे आके पढ़ेंगे, बाय द वे गाइज, आई एम लिविंग इन मुंबई खारघर, सो हियर द क्लासेस विल बी ऑल्सो कंडक्टेड लाइव। ठीक है, और जो लाइव नहीं कर सकते उनके लिए क्लासेस विल बी ऑनलाइन। ऑनलाइन के बाद में अगर कोई मिस आउट कर देता है लाइव सेशन को तो उसको हम लोग एप्लीकेशन में स्टोर करके रखेंगे, प्लस कुछ जो सीरीज है वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। ऑल राइट, मल्टीपल रिविजन्स होंगे, टेस्ट्स कंडक्ट होंगे, रेगुलरली कंडक्ट होंगे, और सबसे मेन चीज जो पेरेंट्स को भी चाहिए होती है और बच्चों को भी चाहिए होती है वो है सक्सेस इज अश्योर्ड। ठीक है, आई एम टेलिंग यू, अगर आप आई मीन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसके, कि आपको क्लासेस रेगुलरली अटेंड करने हैं, आपको टेस्ट भी रेगुलरली अटेंड करने हैं, रिविजन सीरीज को आपको मिस नहीं करना है, मतलब डेडिकेशन आपके पास से अगर 100% होगा तो द सक्सेस इज अश्योर्ड फ्रॉम माई साइड। ऑल राइट, अभी क्विकली एक थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है आपके अकाउंटेंसी में उसको हम लोग एक्चुअली आपकी बुक कैसे दिखती है वो भी देख लेंगे। कमिंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन, देखिए ये बुक कुछ ऐसा दिखेगा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 11। ये कुछ उसका कवर पेज ऐसे तरीके का दिखेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर हम लोग आ जाएंगे तो फटाक से एक चीज को डिस्कस करना है, ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट स्टैंडर्ड 11। अब देखो नीचे टॉपिक्स के नाम दिए हुए हैं और उसमें आप लोग क्या क्या समझ सकते हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, तो क्विकली उसको एक बार हम लोग देख लेंगे कि आप लोग क्या क्या इसमें लर्न करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी,
अच्छा, हम लोग 11 से स्टार्ट ही इसीलिए कर रहे हैं कि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अंदर से क्लियर हो, मतलब पूरे बॉडी में आपके वो अकाउंटेंसी दौड़े, ठीक है? सो वी विल बी कंडक्टिंग 11th क्लास अकाउंट्स प्लस 12th क्लास, और उसके बाद फाउंडेशन तक भी हम लोग जाएंगे, और देन इंटर लेवल का भी हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं, ऑल राइट? लेकिन 11th क्लास से स्टार्ट करने का मेन रीजन ये है कि अगर आप मेरे साथ इस लेवल से बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, और आपको सारा जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में मैं पढ़ा रही हूँ उसका भी आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने मिलेगा। डायरेक्टली हम लोग फाउंडेशन से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, 11th क्लास से स्टार्ट करेंगे। सो 10th के बाद में जो भी बच्चे कॉमर्स में एनरोल करते हैं कैन सी माई लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, ऑल राइट? यूट्यूब का लिंक विल बी शेयर्ड इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है? इसके बाद वाला जो भी वीडियो आएगा उसमें आपको सारा यूट्यूब का लिंक, उसमें जो भी प्लेलिस्ट आपको देखनी है वो सारा डिटेल्स आपको अगले कमिंग वीडियोज में मिल जाएगा। बट देन उसके पहले मेरा इंट्रोडक्शन प्लस सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे देखो आपको एकदम बेसिक माइन्यूट डिटेल से सीखने को मिलेगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इतना बड़ा नाम क्यों है मैम? बेसिकली तो सब लोग इसको अकाउंट्स अकाउंट्स करके प्रोनाउंस करते हैं ना, कोई इसको बुक कीपिंग कभी आपने सुना नहीं होगा, डायरेक्टली बोलते हैं अकाउंट्स, ठीक है? लेकिन बुक कीपिंग तो मेन है ना। अगर आप किताबें मेंटेन करेंगे आपके बिजनेस में, अभी इतने बड़े बड़े बिजनेसेस है, अगर ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो अकाउंटेंसी कहाँ से सीखेंगे, या हम लोग कहाँ से अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, ऑल राइट? तो बुक कीपिंग का ये मतलब है कि सारी चीजों को रिकॉर्ड करना, बेसिक चीज, ठीक है? इसका अभी जो डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएगा। एंड अकाउंटेंसी, अच्छा ये दो चीजें अलग है, बुक कीपिंग अलग है, अकाउंटेंसी अलग है, इसके सारे डिफरेंसेस, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, क्यों किया जाता है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, सारी डिटेल्स आपको कमिंग वीडियोस में जैसे हम स्टार्ट करेंगे सीखना आपको पढ़ने मिलेगी। ऑल राइट, तो क्विकली हम लोग ये एक बार देख लेते हैं कि आप लोग इसमें क्या क्या समझ पाएंगे। पहला आपका जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें आपको सीखने मिलेगा फीचर्स, सॉरी मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, कि इसका मतलब क्या है, इसके कुछ फीचर्स क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्यों है दुनिया में। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज, इसी के लिए हम लोग 11th क्लास से इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट सारा चीज एकदम जड़ से बेसिक से आपको सीखने को मिले, ठीक है? यहाँ पे मेंशन भी किया है स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ऑल राइट, स्टूडेंट्स कैन एनालाइज द रोल एंड बेनिफिट्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्यों जरूरी है? अकाउंटेंसी तो बहुत अभी थोड़ा सा दूर बाकी है, पहले सीखेंगे बुक कीपिंग क्या है, क्यों इसकी जरूरत है, और बिजनेस की दुनिया में ये मेंटेन करना क्यों जरूरी है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो लेटेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है? ये हम लोग लास्ट वाला जो चीज है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये थोड़ा बाद में साइड के लिए रख देते हैं क्योंकि अभी मैं इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करूंगी, डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए तीन चीजें मैं आपको बोल रही हूँ, मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा है रोल एंड बेनिफिट्स ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है? सो आज के लिए गाइज इतना ही। आपको मुझे सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन और जो आपका ये सब्जेक्ट है इसका इंट्रोडक्शन देना था, और इसके आगे के जो कमिंग वीडियोस रहेंगे उसमें आपको सारा अभी हम लोग कॉन्सेप्ट्स ये सब स्टार्ट करेंगे।